खुले में मांस मछली बेचने का जो सरकारी आदेश आया है और लगातार रतलाम के जो निगम के अधिकारी हैं वो दुकानों को बंद करवा रहे हैं, जो खुले में व्यापार कर रहे हैं, जो दुकानें हैं चाहे वो छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, सभी की जो है वो दुकानें बंद की जा रही है। और मैं इस वक्त जो हूँ रतलाम के जावरा रोड क्षेत्र में हूँ, जहाँ सड़क के ऊपर जो किनारे पर जो है मछली मार्केट लगाने वाले यहाँ कई लोग हैं, और अब इनके सामने जो है एक बड़ी परेशानी सामने आ गई है कि इस आदेश के बाद अभी अपना व्यापार और अपना परिवार कैसे पालेंगे। तो हमारे साथ यहाँ कई महिलाएं हैं जो इस व्यापार से अपना परिवार चलाती हैं। क्या नाम है आपका? कविता। कविता जी, कब से आप ये मछली की दुकान लगा रहे हैं? कई सालों से लगा रहे हैं। अब जो आदेश आया है कि आप खुले में ये सब नहीं बेच पाएंगे तो कैसे चलेगा? अब ये मना करते बैठे, कहाँ जाके बैठे, हमें जगह दो, मार्केट दो, हमारा कोई मार्केट नहीं, फ्रीगंज से भगाया, यहाँ बिठा दिया, हम यहाँ से भगाएंगे तब हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों को लेकर आए, हमारा तो धंधा ही यही है, तब इसके आगे आप देखो क्या करना, हटा रहे हो दुकान तो हमारे बच्चे कैसे पालेंगे? आपका क्या नाम है? गंगा भाई। गंगा भाई, आपका क्या कहना है? हमारे को यही कहना है कि मार्केट बना के दो, मार्केट बना के दो तो हम वहीं बैठ जाएंगे। मुर्गा की भी लगाओ, मुर्गा की भी लगाओ, मच्छी वाले की भी लगाओ, सबकी मटन की सबकी एक जगह कर दो बस। पहले भी आप लोगों ने पहले भी जो है आपको जब हटाया गया था तो मछली मार्केट बनाने के लिए कहा गया था? हाँ, कहा गया था, मछली मार्केट का कहा गया था। कितना वक्त हो गया? बहुत 20-30 साल हो गए। और तब से फिर मार्केट नहीं बना? नहीं बना, उधर भगा रहा है, उधर भगा रहा है, इधर भगा रहा, भग भग के आ रहा है, कहाँ जाएंगे फिर? एक जो है यहाँ पर व्यापार दुकान भी इनकी लगी हुई है, आप देख सकते हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री भाई है। गायत्री जी, कब से दुकान लगाती है? मैं यहाँ पे 60 साल से मच्छी बेच रहा, फ्रीगंज में मच्छी बेचते थे, वहाँ से हमको भगाया, वहाँ से परेशान करा कि आपको दुकान बनाएंगे, अभी उधर जाओ उधर बैठो, तो हमको भगाते भगाते यहाँ बिठाते हैं, यहाँ से हमको उठाएंगे तो हमको या तो स्थिति जगह दो या हमको दुकान बना के दो, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और अगर ये स्थिति नहीं हो पाती है कि आपको दुकान, जो गुना हम सबको लाके यहाँ पे सड़क पे सुला सुला के जेर खड़ ला के मार डाले, और तो अब जगह ही नहीं मिली है क्योंकि हम इतने परेशान हो चुके हैं। अधिकारियों से बात हुई थी आपकी कि मार्केट बना के दो? और ये बहुत सारे अपने नगर निगम कलेक्टर ऑफिस के सब बड़े बड़े साहब लोग आते थे, पूरी गाड़ियाँ आती थी, पुलिस की गाड़ी आती थी, कलेक्टर साहब की गाड़ी आती थी, इतनी परेशानी हुई है हम लोगों को, इतना सब दूर भगे हम कि कोई जानता नहीं। और यहाँ पुराने में अभी मंडी में मैं ही बैठी हूँ, ये सब नए हैं अभी, पर मैं हमने जितनी तकलीफ देखी है, अब इतनी तकलीफ आप और दोगे तो हम उससे आगे अब क्या कर सकते हैं? हमको कितनी दुकानें हैं अभी हमारी? नीनी करके 30-35 दुकानें हैं यहीं पे इसी सड़क पे, इतने जनों का पेट का पालन, इतने बच्चों का पालन कहाँ से होगा? और अब तो आगे आप देख, ये एक बड़ी बात इन्होंने बोली है कि तकरीबन 30-35 यहाँ पर लगातार दुकानें हैं। मैं थोड़ा सा अपने कैमरामैन को बोलूँगा ऊपर करके, वो आपको सीधे दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी सड़क के किनारे जो है ये 35-40 दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, और कई परिवार हैं जो यहाँ से पल रहे हैं, लेकिन अब ये परेशान हो गए हैं। और कोई है जिनकी, आपकी भी दुकान है यहाँ पर? वो तो बोला उन्होंने, भाई आप अपनी बात भी तो बताओ ना। उन्होंने बोला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके परिवार में कितने लोग हैं? जी हम कम से कम 10-12 लोग। और जीविका जो खाली मेरे घर में, कैसे चलता है वो? इसी से चलता हमारा कारोबार, सभी इसी से धंधा, खाना पीना बनाना सभी इससे चलता हमारा। अब दुकान हटाओगे तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे, नगर पालिका जाके बैठेंगे और क्या करेंगे, यही कर सकते हैं। पहला भी गए थे, बैठे थे, उनको आवेदन भी दिया, काफ़ी दौड़ भाग करी हमने, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई उसमें। काफ़ी टाइम से चल रहा है, फ्रीगंज की टाइम से चल रहा है, हमारा पुराना मार्केट था फ्रीगंज में, वहाँ से हमको उठा के यहाँ भगा दिया, यहाँ से फिर अब यहाँ से भी उठा देंगे तो कहाँ जाएंगे?